मिशन को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का पेपर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और इस पेपर के सॉल्यूशन की हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। सभी फ्रेंड को बता दो ताकि वो लोग भी आ जाएं। तो पेपर मैंने देखा, पेपर टफ तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के बनाया था ताकि आप लोग जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाए। तो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, तो पहला क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। तो ये रिजोनेंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ये आर एल और ये सी एक सीरीज नेटवर्क दे रखा है। अब इसके लिए क्यू फैक्टर की बात कर रहा है वो। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या था आरएलसी सीरीज सर्किट में? क्यू फैक्टर के फॉर्मूले क्या होते हैं? ओमेगा नोट एल बाय आर होता है, एक तो एक होता है वन अपॉन ओमेगा आर सी होता है, एक होता है सीरीज आरएलसी सर्किट का वन अपॉन आर रूड एल बाय सी। तो ये वाला जिसने किया है वन अपॉन आर रूड एल बाय सी, उसका बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अगर पैरेलल में जाते हैं तो पैरेलल में ये सब रिवर्स हो जाते हैं, इन्वर्स होता है। आर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये पूरा ऊपर आ जाएगा, यहाँ आर ऊपर आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला तो पैरेलल रेजोनेंस के लिए है ना, और हमसे पूछ रहा है वो सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करने थे और करना था सॉल्यूशन। जिस किसी ने भी किया है उसने सही बिल्कुल मार्क किया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ वोल्टेज अक्रॉस आर एल सी सीरीज आर एल सी सर्किट इट रिजोनेंस इज 40 वोल्ट 60 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। वो कह रहा है कि सीरीज आर एल सी सर्किट में रिजोनेंस कंडीशन पर यहाँ पर जो ड्रॉप आ रहा है वो 40 वोल्ट का है, ये 60 वोल्ट का है, ये भी 60 वोल्ट का ड्रॉप है। तो इस तरह से ड्रॉप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वो पूछ रहा है कि टोटल सप्लाई वोल्टेज क्या था, वी इज इक्वल टू पूछ रहा है वो, है ना। सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पर जो ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पर जो ड्रॉप आ रहा है, तीनों ड्रॉप को अगर आप ऐड कर लेते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा। तो सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, 60 और 40 160, यहाँ पर आपका ये सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो, इफ़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट IM, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट IM की वैल्यू पूछ रहा है वो, IM द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विल बी। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन ये दे रखा है, ये दे रखा है एक साइन वेव है, ये साइन वेव, इसके एक मैक्सिमम वैल्यू IM दे रखी है, ये नेगेटिव मैक्सिमम क्या हो जाएगा, माइनस IM। इसके लिए एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आई एवरेज की वैल्यू वो आप लोगों से पूछ रहा है कि आई एवरेज की वैल्यू क्या होगी। अब अगर वो आई एवरेज की वैल्यू पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि आई एवरेज क्या होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। अगर मैं इस तरह से बात करूं कि क्या कहते हैं इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज क्या होगा, ये वाली जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल है, वैसे तो इसका एवरेज क्या होना चाहिए, फुल साइकिल के लिए एवरेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो फुल साइकिल के लिए एवरेज जीरो होना चाहिए। बट जब हम एवरेज की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया है कि हाफ साइकिल की ही बात करते हैं, जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो हाफ साइकिल की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो, ये पाई, ये टू पाई, ये पूरी एक साइकिल है, तो जीरो से पाई तक की हम एवरेज निकालेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी साइन वेव है उसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका मान लिया मैंने साइन थीटा वाली वेव है, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इस तरह से इसका एवरेज निकालेंगे, और जब इसका एवरेज आप निकालोगे तो फॉर्मूला सोल्व करके जब आप सोल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 2IM/π, क्या आ जाएगा, 2IM/π। तो ये इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा 2IM/π। फुल साइकिल के लिए जीरो होता है, बट जब भी एवरेज की बात करें तो हम हाफ साइकिल की ही बात करते हैं ना, वो हो जाता है 2IM/π। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन स्टार
स्टार नेटवर्क में कनेक्टेड है, वो कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं? 4000 वोल्ट की पावर कंज्यूम कर रहे हैं। कौन से नेटवर्क में कनेक्टेड है? स्टार नेटवर्क में। तो स्टार इस तरह से नेटवर्क कनेक्टेड होता है। इस तरह से तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये तीनों आर है। और पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हो? 4000 वोल्ट। अभी क्या कह रहा है? इफ़ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन डेल्टा, अगर वो डेल्टा मोड में कनेक्टेड हो जाते हैं, तो डेल्टा किस तरह से कनेक्टेड होता है? किस तरह से कनेक्टेड होता है? ये भी आर, ये अगर ये ही रेजिस्टेंस डेल्टा मोड में कन्वर्ट हो जाए तो पावर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? इसके लिए जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, सेम वोल्टेज यहाँ पर भी अप्लाई कर रखा है। वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? यहाँ पर स्टार मोड में कनेक्टेड हो और आगे किस मोड में कनेक्टेड है? वो डेल्टा मोड में कनेक्टेड है। तो इस तरह से देखना है। तो हमें बेसिकली एक फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, आर डेल्टा इज इक्वल टू 3 × R स्टार। तो आर में अगर कोई रजिस्टर है, स्टार मोड में कनेक्टेड है कोई रजिस्टेंस, तो डेल्टा मोड में अगर उसको कनेक्टेड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रेजिस्टेंस 3 गुना हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रिपल हो जाएगी। जस्ट क्या हो जाएगी? ट्रिपल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? ट्रिपल। यहाँ पर स्टार में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उससे कंपेरिजन में डेल्टा में उसका 3 गुना आएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर यहाँ पर डेल्टा हो जाएगा। अब पावर वी हमें क्या कर रखा है? वी दोनों में सेम है, फर्स्ट केस में भी वी 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 है और सेकंड में भी सेम ही है ना। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है? मुझे दे रखी है 4000 पहले केस में, और रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर? 3 गुना हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन 3 × R यहाँ पर स्टार डेल्टा, आर डेल्टा क्या हो जाएगा? 3 × R स्टार। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 12000। तो क्या हो जाएगा? ये 12000 वोल्ट वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह आओ, तो इफ़ द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल ऑफ बैलेंस कनेक्टेड लोड इज 12 ओम, इसका आंसर 6 ओम होता है। ये आप लोग देख लेंगे ना। इफ इन अ बैलेंस कनेक्टेड, इसमें 30 डिग्री का फेज रहता है। फिर बात कर रहा है ये कि एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन सर्किट। वो पूछा कि नॉर्टन थ्योरम अगर किसी सर्किट में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनता है? तो जब भी नॉर्टन थ्योरम हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? एक ISC फाइंड करना पड़ता है, एक सोर्स, उसके अलावा एक RIN फाइंड करना पड़ता है, या RTH भी बोल सकते हैं इसको, और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस होता है, RL होता है। तो क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है नॉर्टन का, उसमें एक करंट सोर्स होता है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस कहाँ हो जाएगा? इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अ डेल्टा सर्किट हैज आर इन ईच ब्रांच। अब वो वही वाला रिलेशन ये पूछ रहा है कि हम जानते हैं कि आर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? 3 × R स्टार। ठीक है, ये रिलेशन हमें यह ध्यान रखना है। वो क्या कह रहा है कि डेल्टा सर्किट हैज आर इन ईच ब्रांच। डेल्टा में आर है रेजिस्टेंस, है ना, तो वही स्टार में जाके कितना हो जाएगा? स्टार में जाके R/3 हो जाएगा। क्या होगा? अगर डेल्टा में आर है तो स्टार में R/3 हो जाएगा, स्टार में आर है तो डेल्टा में 3 R हो जाएगा। ये रिलेशन आप याद रखोगे तो स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/3 हो जाएगा, R delta / 3 हो जाएगा। तो R/3 इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अ टर्मिनल वेयर 3 or more branches आर मीट, ये तो आप लोग बहुत आसानी से बता लोगे। ये यहाँ पर जहाँ पर 3 या ज़्यादा ब्रांचेस मीट होती है, क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड कहलाएगा। मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होती है सोर्स से लोड तक। मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफर होती है जब लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RTH होता है, सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो क्या मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड तक ट्रांसफर होती है। तो ये इसका आंसर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से 3002 पेपर का सोल्यूशन था, और ये पूरा सोल्यूशन मैंने आप लोग करा दिया है। अब ऑप्शन देख लेना आप लोग कि आप लोग कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमारे इतने मार्क्स सही हो रहे हैं। तो बस यहीं तक था वीडियो। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।